हेलो फ्रेंड्स, मैं रेहान। क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं अपने घर की वीडियो बना के आपसे शेयर करूं, और मैंने अपना घर कैसे बनाया और कैसे सब कुछ था ना, तो वो आपसे शेयर करूं। तो इसका घर का नक्शा ना मैं खुद ही लेके आया था अपनी तरफ से ही, कहीं से देख के, मतलब एक दो घर देख के वहाँ से नक्शा लेके आया। फिर मैंने आर्किटेक्ट को बोला, मैंने कहा भी ये सारी चीज़ें ना, तो ये जो सा मेरा प्लॉट का साइज़ है 27.9x45 का साइज़ है, उसके अंदर ये सारा एडजस्ट कर दे। तो उसने मुझे काफ़ी 5-6 प्रिंट्स वगैरह निकाल के दिए। फिर मैंने ये सारा, मतलब किस में क्या गलती थी, मुझे इतना साइज़ चाहिए, ये सारा फिर मैंने निचाड़ के सारा कुछ करके एक नक्शा बनाया, जो कि अभी हमारे प्रेजेंट का है, ठीक है। और वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये कि वीडियो बनाने में भाई साहब शर्म बहुत आती है, हमें लगता है कि ये व्लॉग बना लेंगे, ये कर लेंगे ना, तो लेकिन अभी मैं अकेला बना रहा हूँ तो भी मुझे ऐसे लग रहा है यार, मैं क्या, मुझे पता नहीं कितने लोग देखेंगे और क्या सोचेंगे। तो किसी के सामने तो बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे शर्म खुल रही है, तो ज़रूर बनाएंगे। और क्या था, हाँ मैं एक ना कल रात का आपसे इंसिडेंस शेयर करने वाला हूँ। मैं कल रात को फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था, पृथ्वीराज चौहान। तो उसमें हम 10:30 बजे का शो था, मैं 10:25 में हमारी अंदर एंट्री होगी और पूरा हॉल खाली। हमें लगा कि हम ही दोनों हैं, तो मैं जैसे ही अंदर गया पूरा हॉल खाली। तो मैंने अपने फ्रेंड पारस को बोला, मैंने कहा यार जल्दी से मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, मैंने सोचा। तो मैं जैसे ही वीडियो बनाने लग गया, मैंने बोला हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के। और इतने में पीछे से भी, मैं तो मजाक ही कर रहा था कि मैंने पूरा हॉल बुक करवा लिया है ना, ये है वो है। इतने में पीछे से कोई फैमिली आ गई, तो उनको देखते ही मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने साथ के साथ वीडियो कट कर दी। अभी ये देखो वीडियो, मैं आपसे छोटा सा क्लिप ही है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के, सभी ठीक हो? मैं आपका रेहान, आज मूवी देखने आया था पृथ्वीराज चौहान, और सारा ही बुक करवा लिया मैंने हॉल। कोई नहीं आया। अभी कुछ और लोग आ गए, तो बाद में बात करता हूँ। ये देखा आपने वीडियो, ऐसे शर्म बहुत आती है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी दूर हो जाएगी। एंड और मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे कुछ इतना बोलना वगैरह तो कुछ आता नहीं, जो कुछ होगा वो नेचुरल होगा, ठीक है। तो जैसा भी वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर पसंद करना, और मुझे बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ओके। आइए बनाते हैं वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घर है, और ये बाहर प्लांट्स वगैरह लगे हैं, ये देखिए, ये रे, ये जोन से आपको खाली गमले दिख रहे होंगे, वो सीजनेबल प्लांट्स लगे थे, अभी इनको चेंज करना है। लाइक ये और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत ही सब्जियाँ उगा रखी है, जो कि अभी लगेगी। और यहाँ पे बाहर तुलसी रख रखी है, इसको धूप से बचाने के लिए ना, ये ग्रीन चादर नीचे लगा रखी है, ये देखो। और ये जोन से बाहर आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री, ये वाली, ये चाचा जी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि उनको भी ये ऐसी पसंद थी और मैं भी चाहता था कि ऐसी ही बने, तो ये उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है सारी। अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये पोर्च है सारा, ये देखिए, ये स्टेयर्स हैं, जो ऊपर का पोर्शन है वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये पौड़ियों के नीचे ये हमने तीन ड्रॉर्स बनाई हैं, एक में तो इन्वर्टर है,
ये पड़ा, दूसरे में कोई एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, ये ना, और तीसरा वाला ये शू रैक है, ये देखो। ये भी मैंने YouTube से ही देखा था किसी के, और ये इधर बाथरूम आ गया, जो कॉमन बाथरूम है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आया हो तो ये यूज़ कर सकता है। ये वॉश बेसिन, ये वॉशिंग मशीन, यहाँ कपड़े धोते हैं, और कपड़े अगर सुखाने हो ना तो बाहर ही तार बंधी हुई है, वहाँ पे मम्मा सुखा देते हैं। ये सामने ये सारी तार बंधी हुई है, इधर इधर सुखा देते हैं। और ये गेस्ट रूम का बाहर वाला गेट है, यहाँ से भी खुल जाता है ये, और अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ मैं। ये हमारी लॉबी है, अंदर एंट्री करते ही पहला रूम ये है, ये आप यह मंजा देख रहे होगे, तो रात को मौसी जी आए हुए थे तो उनके लिए ला के रखा था, जो कि इधर ही पड़ा है, अभी तक उठाया ही नहीं। और इस रूम के अंदर ये ड्रेसिंग बॉक्सेस बना दिए, जिसमें ये अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, ऊपर भी है। ये देखिए चार बनाए हैं, और इधर अभी मिरर लगेगा, लगा नहीं है। और ये अलमारी है जो दीवार के अंदर ही फिक्स है, मतलब इसके ऊपर ये जो कवर कवर है ना, ये सिर्फ गोदरेज का है, अंदर अलमारी उसी की बनी है। ये सारा मतलब दीवार के अंदर ही अलमारी है, यहाँ पे प्लास्टिक पेंट लगा दिया ताकि ये कपड़ों के कुछ रंग वंग ना लगे। और एक अंदर कॉमन बाथरूम है, जो कि ये है, जो दोनों रूम्स के साथ अटैच है। लाइट जला के दिखा देता हूँ आपको, ये एक वोरा गेट जो आपको दिख रहा है ना, वो दूसरे रूम का है, अभी लेके चलता हूँ वहां पे भी आपको। अब ये दूसरा रूम, ये वैसे कहने को तो मेरा रूम है, बट अभी शादी से पहले तो कौन से अपने रूम होते हैं वो तो पता ही होगा, जो भी लड़के कुंवारे हो किधर भी सुला देते हैं। ये भी अलमारी वैसे ही है, दीवार के अंदर बनाई हुई है, ये देखिए सिर्फ ऊपर कवर गोदरेज का लगा रखा है। एक तो ये सस्ता भी पड़ता है और मजबूत भी बहुत है। इधर ये ड्रेसिंग टेबल बना रखा है, अभी इधर कुछ भी नहीं लगा रखा मैंने, वैसे बस थोड़ा बहुत सामान पड़ा है।
इधर भी ये मिरर लगेगा, और ये जो सा दूसरे रूम का बाथरूम था ना, उसका गेट इस गेट के पीछे है, ये देखिए ये रहा। अभी आपको ये अंदर से फिर दिखाता हूँ, ये देखिए वहाँ से भी है यहाँ से भी है, ताकि हम फैमिली बाथरूम है ये, तो हम फैमिली वाले रूम्स में अपना यूज़ कर सकते हैं। और इस रूम के पीछे जो वेंटिलेशन है वो ये रहा, और ये किचन का गेट है, और एग्जॉस्ट फैन वगैरह वेंटिलेशन के लिए वो तो होते ही हैं, है ना। ये गेस्ट रूम, यहाँ भी सोफे वगैरह लेके आने हैं, लाए नहीं है, तो ये वैसे ही है अभी पड़ा। ये जो गेस्ट रूम का बाहर वाला गेट है वो ये देखो, ये दिख रहा है ना, गेट खुल गया, बंद ही नहीं गया, वो बंद करके आता हूँ मैं, वेट। आज थोड़ी हवा तेज चल रही है, वरना भूल गया वीडियो के चक्कर में। ये फिर लॉबी आ गई, इधर ये वॉश स्टेशन, ये किचन जहाँ पे छोटी मम्मी जी खाना बना रहे हैं, और ये किचन का वॉशिंग एरिया अलग ही रख रखा है बर्तन धोने के लिए, ताकि किचन के अंदर कोई गिल्लापन ना हो। और ये रहा पीछे वेंटिलेशन, ये आपको ये मैंने उस रूम का गेट भी दिखाया था ना, ये रहा वेंटिलेशन। ज़्यादातर ना हम एक घड़े का ही पानी पीते हैं, क्योंकि नेचुरल ठंडा, फ्रिज वाला तो ठीक नहीं रहता। यहाँ पे ये हमने आटे वाली टंकी रख रखी है, इसमें चीनी है, या कुछ और सामान है, सिलेंडर वगैरह पीछे है। उस सिलेंडर का एक ही कनेक्शन पूरे घर के अंदर दिया हुआ है, जिसमें बाथरूम, दोनों बाथरूम के गीजर और किचन की गैस, ये सब कुछ चलती है। ओके, आज मेरी मम्मी जी हरिद्वार गए, माधव भी गया, तो छोटी मम्मी ने अकेले ने काम किया, बहुत थक गए, ये अब खाना बना रहे हैं हमारे लिए, मैंगो शेक भी बन रहा है। बिल्कुल, थोड़ा जोर से बोलो मम्मा, आवाज कम आ रही है। खाना बना रही हूँ, मेरा मैंगो जूस बना रही है, सबको खिलाऊंगी, और फिर सोएंगे, फिर शाम को 4 बजे उठेंगे। फिर उठ के फिर बस चाय और इधर उधर, डेली रूटीन का यही काम है ना, यही काम है, यही जिंदगी है। सुबह उठो, नाश्ता करो, नहाओ, फिर खाना बनाओ, काम करो, दोपहर को सो जाओ, शाम को उठ के चाय पियो, फिर शाम को घूमो, फिर सो जाओ, बस। ये फ्रिज वाला फ्रिज ना पहले इधर रखा हुआ था, तो ये बीच में चिल्ड नहीं करता था, तो कंपनी वालों को बुलाया, वो कहते भी मोटर को हवा नहीं लगती, तो इधर कर लो, हमने इधर भी रख लिया, तो भी ये तंग ही कर रहा है, जैसे इंसान तंग करते हैं वैसे ये तंग कर रहा है। पानी मोटर बारो चला देंगे, मोटर का बटन एक हमने इधर भी दे रखा है, लेकिन मैं बाहर से चला के आता हूँ, और फिर आपको ऊपर का पोर्शन दिखा के आता हूँ। पहले यहाँ से वॉल चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये रहा, इसके भी वॉल्स चेक कर लेता हूँ, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर वाला था, ये वाटरवर्क्स वाला है, और ये चला दिया, इसको भी खुला छोड़ देंगे ना, ताकि हवा क्रॉस होती रहे, मोटर की दिक्कत ना हो। मम्मी जी चेक कर लियो, अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ स्टेयर्स पे। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था ना कि कैसे ये नीचे वाला बना रखा है, ये कुछ प्लाट्स अंदर भी लगा रखे हैं, और बाहर धूप से बचने के लिए ना ये लगा रखी है, ग्रीनरी, ग्रीन चादर बोलते हैं इसको, पता ही होगा सभी को, क्योंकि ये पहले नहीं लगी हुई थी ना गर्मी में, क्योंकि सर्दियों में मुर था,
तो पता नहीं चला। और गर्मियों में जब धूप आई ना, तो इस ये बार वाला ये जो सा रूम है ना, बेडरूम, इसके अंदर से धूप जाती थी, बहुत गर्म हो जाता था। और अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये MCB बॉक्स वगैरह सारे इधर लगा रखे हैं पूरे घर के। तो और उनके कनेक्शन इधर ही है, ऊपर कोई रहता नहीं। एक बार तो मैंने सिर्फ फ्रंट एलिवेशन के लिए सिंगल रूम ही बनाया है। ऊपर एक सिंगल रूम है और बाथरूम है, क्योंकि बजट को देख के सारा घर बनाना पड़ता है ना, इसलिए। ये इधर थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, ये बाहर का एरिया आ गया। यहाँ से ये बालकनी बोल सकते हैं ना, ये बालकनी आ गई, ये देखो। और ये भी वैसे ही टूटी लगा रखी है, यहाँ पे अगर कुछ काम वाम जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। ये बार ऊपर वाले रूम का बालकनी के साइड वाला गेट है। बीच में फ़ोन आ गया था इसलिए वीडियो कट होगी। ये वैसे ही आपको गंदा सा दिख रहा होगा ना, क्योंकि ऊपर कोई रहता नहीं, इसलिए ये वैसे ही पड़ा। और एक बाथरूम इसके साथ अटैच है, ये रहा। इसको भी यूज़ वगैरह नहीं करते, तो ये वैसे ही पड़े, क्योंकि ऊपर रहता ही नहीं ना अभी कोई। और इसको बंद कर देते हैं। और इस रूम का एक गेट बाहर वाली तरफ भी है, ये देखिए, ये रहा। ये मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। बाहर, ये बाहर छत की तरफ वाला गेट है, ये रहे। ये देखो, ये पूरी छत खुली है। कल को कोई फंक्शन हो तो अपने ऊपर छत पे सो सकते हैं रात को, और कभी अगर किसी ने ऊपर सोना हो तो ऊपर भी सो सकता है। ये जो सा किचन के बैक साइड पे मैंने आपको वेंटिलेशन दिखाई थी ना, ये इसके ऊपर कवर लगा रखा है, और ये मैंने खुद ही लगाया था। ये जो सी फाइबर है ना, ये मैंने खुद ही इसके ऊपर ये बोल्ट वगैरह लगा के सेट करी थी सारी। और ये जो सी वाली आपको दिख रही है, ये जो से दोनों रूम के बीच में बाथरूम है ना, उसकी वेंटिलेशन है ये, यहाँ से भी दिख जाएगी आपको। ओके, तो ये सारा व्यू है ऊपर से। ये बैक साइड पे ना सारे खेत ही खेत है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ना शाम को इतनी ठंडी हवा चलती है, मस्त माहौल सा बन जाता है। ये बैक साइड पे अभी घर बने नहीं है, तो ये प्लॉट्स वगैरह ऐसे ही पड़े हैं। साथ वाला प्लॉट मैं लेने की सोच रहा था, पर पैसे आएंगे तभी लेंगे। और ये ऊपर पानी की टंकी वगैरह है, ये भी चढ़ के दिखाता हूँ आपको मैं। एक आस से चढ़ रहा हूँ, कहीं पे गिर ना जाऊँ। अरे भोलेनाथ, ये देखो ऊपर का सारा। और तो आगे क्या लेके जाऊं, इसमें मैंने आपको चीज दिखाता हूं। वन सेकेंड, ये ऊपर ना प्लास्टिक की टंकी रखी हुई थी, तो जैसे ही गर्मी शुरू हुई ना, पानी बहुत ज्यादा वो हो जाता था गर्म, तो इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने ये जो से इसको क्या बोलते हैं, थर्मोकोल की शीट, ये देखो, ये 1 इंच की होती है शायद, और 2x3 साइज होता है, 2 फुट चौड़ी 3 फुट लंबी। तो ये मैंने शीट ला के ये काट काट के ऐसे लगा दी, और ऊपर से इसको ना ये प्लास्टिक वाले रैपर से कवर कर दिया, और कवर कर दिया। उसके बाद अब काफ़ी हद तक ना ये पानी ठंडा रहने लग गया, भी मतलब ठंडा भी नहीं, भी जैसे नॉर्मल इसके अंदर पड़ा होता है ना वैसे ही रहता है, क्योंकि
अभी गर्म नहीं होता, पहले गर्म बहुत हो जाता था। और ये देखो यहाँ पे बैक साइड पे ये एक छोटा सा वो बना रखा है रूम टाइप सा, जिसमें कुछ सामान वगैरह रख रखा है, जो पेंट वगैरह हुआ था ना, पुट्टी वगैरह थी, उस सभी का सारा सामान रख रखा है। ये ऊपर से भी देखो, ये सारी कॉलोनी है, इसको बोलते हैं, इस कॉलोनी का नाम है रिद्धि सिद्धि कॉलोनी। ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर, ये कॉलोनी के अंदर का मंदिर है। हम सुबह यहाँ पे जाते हैं और अपनी पूजा वगैरह करते हैं। और एक ये आपको गुंबद दिख रहा होगा ये ऊपर, ये स्कूल का है, ये DPS स्कूल है। ये रहा पीछे से व्यू सारा। और एक मैं आपको चीज़ और दिखाता हूँ, ये मेरे माइंड में आया था क्योंकि टंकी अब कितनी ऊपर है ना, तो बार बार पानी चेक तो किया नहीं जा सकता, मम्मी कैसे ऊपर जाएं भी पानी कितना है क्या कुछ है। तो एक ना मैंने ये डिवाइस पता की थी, अमेजोन से मिली थी मुझे, तो वाटर लेवलर चेक बोलते हैं, वाटर लेवल चेक करने वाली। तो इसकी ये सारी वायरिंग वगैरह की रखी है देखो, ये रही, ये सिंपल एक वो है बिजली वाली, इसको फट्टी बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये है। और इसके ऊपर ये सेंसर लगे हुए हैं, ये रे चार सेंसर लगे हुए हैं, ये रे, जो कि ये पानी में सिर्फ ऐसे इसको खड़ी कर दो ना सेंसर बांध के, ये देखो ये बस ऐसी रहेगी, इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। और ये जो उनसी वायर है ये वो कैट वायर बोलते हैं इसको, जो नेट वगैरह के लिए यूज़ होती है वो है। और इसका नीचे कनेक्शन कैसे है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी इसके अंदर मैं आपको बताऊँ कितना पानी होगा, नीचे जाके देखता हूँ। इसके अंदर अभी 25% पानी है, मतलब ये चार स्टेज है इसकी, 25, 50, 75, 400 होगी ना, तो तब ये पूरा यहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक। तो अभी नीचे जाके आपको वो दिखाता हूँ इसके अंदर ये कैसे दिखती है। हाँ जी, नीचे तो उतर गया, वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि मैं गिर ना जाता। अभी आपको मैं नीचे जाके ना वो दिखाता हूँ लेवल, जिससे आपको पता चल जाएगा सारा। ये लगा हुआ, इसमें मैंने बोला था 20, इसमें मैंने बोला था आपको 25% होगा, तो ये देखो 25% है। अब जैसे जैसे भरेगी तो मम्मी औरों को पता चल जाएगा भी पानी कितना है इसमें। और फिर जैसे 100% हुई तो वो मम्मा मेरे से ही मोटर बंद कर देंगे, ऊपर जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो बस ये था, सारा घर आपको दिखा दिया। हाँ जी, तो कैसे लगा आपको हमारा घर, हमारा मतलब आपका भी, क्योंकि आप भी तो फैमिली मेम्बर ही हो ना, तो आपका भी हुआ। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितना पसंद आई मेरी वीडियो, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ढेर सारा प्यार देना, मिलते हैं आगे की वीडियो में। Okay, bye.